अगर आप एक स्टूडेंट हैं और साथ साथ में अपनी थोड़ी बहुत अर्निंग करने के विषय में भी सोच रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि जब आपको कोई फॉर्म भरवाना पड़े तो घर वालों से पैसे ना मांगने पड़े, अपनी लाइब्रेरी का जो फीस अगर जब आपको देनी हो तो वो 500-600 रुपये आपको कहीं से मांगने ना पड़े, या फिर आने जाने का किराया आप खुद से निकाल सको, या फिर मोबाइल रिचार्ज वगैरह, इस प्रकार के छोटे मोटे खर्चे अगर आप खुद के दम पर निकालना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको इसको लास्ट तक देखना है, आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में ही, ठीक है। आपको करना क्या है, आपके आस पड़ोस में जो छोटे बच्चे हैं, जो पहली क्लास का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, उनको आपको ट्यूशन पढ़ानी है, ठीक है। और मैं जब उनको ट्यूशन पढ़ाता था तो मैं इनसे 500 रुपये चार्ज करता था, और ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आप भी चाहो तो इसी प्रकार से शुरुआत कर सकते हो, 500 या 600 रुपये इस प्रकार से चार्ज कर सकते हो। और किनको, जो पहली क्लास का है, जो फर्स्ट क्लास का है, या जो सेकंड क्लास का है, या जो थर्ड क्लास का है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनको आपको 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्ज करने हैं, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, पेरेंट्स दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, लेकिन करना मत, क्योंकि वो एक प्रकार से नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इतने छोटे बच्चों से अगर आप मान लीजिए 2-2 हज़ार रुपये चार्ज करोगे तो वो एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इतने ज़्यादा चार्ज आपको नहीं करना है, आपको कितना करना है, बस 500 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 600 या 700 रुपये चार्ज कर देना पर मंथ के हिसाब से एक स्टूडेंट से। इस प्रकार अगर मान लीजिए आपके पास में 10 बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं तो आपके 5,000 रुपये महीने के हो गए। इतनी अर्निंग से आप अपनी लाइब्रेरी का, अपने किराए का, अपने मोबाइल रिचार्ज का, या अपने फॉर्म फिलअप करने का, या अपने जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो आराम से निकाल लोगे, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा ही दिन काम करना पड़ेगा। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह तो पढ़ाना ही नहीं होते, उनको तो ABCD कह और वो इस प्रकार से वो चीज़ें पढ़ानी होती है, उनको हिंदी में, इंग्लिश में बुक रीड करवानी होती है, टेबल सिखानी होती है, यानी पहाड़े सिखानी होती हैं, जोड़, बटा, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें सिखानी होती है। और ये तो आपको आती है, आप चाहे आर्ट से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको इतनी चीज़ें तो आती है कि आप पाँचवीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकें, और आपके आस पड़ोस में 10 बच्चे तो आराम से मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाना आपको आ गया तो आप आराम से अपने जेब खर्चे निकाल सकते हो, अपने फॉर्म वगैरह भरवाने के लिए फीस आप आराम से निकाल सकते हो, या फिर आप अपने जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो इससे निकल जाएंगे, ठीक है। करोड़पति तो इससे नहीं बन पाओगे।